हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे टेस्टी और क्रंची भरवा करेले। आपने भरवा करेले यदि कभी ट्राई नहीं किए हैं तो आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा। ये आपके खाने का स्वाद दुगना कर देंगे। तो आइए अब हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 6 मीडियम साइज के करेले लिए हैं। इनको अच्छे से हमने साफ कर लिया है। अब हम इन करेलों का ऊपर से इस तरह से हल्का हल्का छिलका निकालेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सभी करेलों का छिलका निकाल लिया है और इन्हें एक बोल में सेपरेट कर दिया है। ये देखिए हमने इनका छिलका तैयार कर लिया है। अब हम जो हमारे छिले हुए करेले हैं उनमें इस तरह से कट लगाएंगे। ये देखिए मैं इसमें इस तरह से कट लगा रही हूँ और इसके बाद इसके अंदर के जो बीज होते हैं उनको हम रिमूव कर देंगे। यदि बीज पके हुए हैं तो आप उन्हें निकाल दीजिए और यदि कच्चे हैं तो उन्हें इसी तरह से रहने देंगे। ये देखिए मैंने करेले में इस तरह से स्लिट कट लगा दिया है और इसी तरह से सभी करेलों को हम कट कर लेंगे। इसके बाद अब हमने जो करेलों का छिलका तैयार किया था उसके अंदर अब हम 1/4 चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे और इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि छिलकों में जो कड़वापन है वो कम हो जाएगा। और इसके बाद अब हम हमारे करेलों के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए गैस का फ्लेम ऑन करके उस पर एक गरम होने के लिए पैन रख दिया था। उसमें लगभग 2 बड़े चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे। मैंने इसमें सरसों का तेल यूज किया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम इसमें हींग डालेंगे और 1/2 चम्मच हम इसमें साबुत जीरा डालेंगे। जब ये दोनों अच्छे से क्रैकल हो जाएंगे इसके साथ ही हम एक मीडियम साइज की लंबी पतली पतली कटी हुई प्याज डाल देंगे और इस तेल के साथ उन्हें इस तरह से भूनेंगे। हमें इन्हें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, हमें बस इसे थोड़ा सा ही सॉफ्ट करना है। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए अब हम इसमें हमने जो करेलों का छिलका तैयार किया था वो डाल देंगे और इसे भी हम इस प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस टाइम पर हम गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम रखेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं इसे इस तरह से पका रही हूँ। इसी के साथ अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 2 चम्मच भरकर हम इसमें धनिया का पाउडर डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और इन सारी चीजों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करते हुए ही हम इस स्टफिंग को पकाएंगे। हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी के साथ अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के अमचूर का पाउडर डाल देंगे। अमचूर का पाउडर जो है वो स्टफ्ड करेले को बहुत ही स्वादिष्ट बना देता है। अमचूर का पाउडर हमने ऐड कर दिया है और इसे भी हम इस मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मिक्स करते हुए इस स्टफिंग को लगभग हम 1 मिनट तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं स्टफिंग हमारी अच्छे से बिल्कुल पक गई है। इसके बाद अब हम गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे। ये देखिए स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। इसके बाद इस स्टफिंग को करेलों के अंदर अब हम फिल करेंगे। इसके लिए हमारे करेले तैयार हैं और स्टफिंग भी रेडी है। अब हम इस तरह से करेला लेंगे और उसके बीच में ये स्टफिंग को फिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं इसमें किस तरह से स्टफिंग फिल कर रही हूँ, आप भी इसी तरह से कीजिएगा। हमने एक करेले में स्टफिंग अच्छे से फिल कर दी है और इसी तरह से अब हम दूसरे करेले में भी फिल करेंगे। और इसी तरह से हम सभी करेलों के अंदर इस तरह से तैयार की हुई स्टफिंग को फिल कर लेंगे। ये देखिए सारे करेले हमारे अब रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें तैयार करेंगे। इसके लिए जो पैन हमने यूज किया था उसे हम वापस यूज करेंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। इसमें अब हम 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे।
मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रही हूँ। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा, अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। आप देख सकते हैं जीरा हमारा धीरे धीरे क्रैकल हो गया है। और अब हम इसमें हमारे तैयार किए हुए करेले डालेंगे। ये देखिए सारे करेले हमने अब इसमें डाल दिए हैं। और अब हम इसे पैन को हिलाकर धीरे से ऑयल से कोट करेंगे। और जब ये एक साइड से कोट हो जाएंगे तो हम इस तरह से उसे स्पैचुला, स्पून या चिमटे की हेल्प से टर्न करके ऑयल से कोट कर लेंगे। इसके बाद अब हम इस पैन को लिड से कवर कर देंगे और इन करेलों को हम पकने देंगे। ये एक साइड से पक गए हैं, अब हम इस तरह से इन्हें टर्न कर देंगे और वापस से ढककर इन्हें हम इसी तरह से पकाएंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। अब हम लिड को हटाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे करेले जो हैं वो बहुत अच्छे से पक गए हैं और इनसे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। ये देखिए ये अच्छे से पक गए हैं। तो लीजिए तैयार है हमारे टेस्टी टेस्टी क्रंची स्टफ्ड करेले, यानी कि भरवा करेले। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। आपको ये भरवा करेले की रेसिपी यदि अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।